हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रोइंग नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पार्ट फोर को, जिसमें टोटल 27 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय ए नंबर ऑफ कोप्लेनरी कॉन्करेंट फोर्सेस इट मे, जब किसी बॉडी पे ए नंबर ऑफ कोप्लेनरी यानी बहुत सारे कोप्लेनरी कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, इट में क्या हो सकता है। देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, उस पर कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो कोप्लेनर क्या होता है, जिस पे जिसका जो प्लेन हो वो एक ही हो, एक प्लेन पे काम कर रहे हैं वो फोर्स। और कॉनकरन क्या होता है, कॉनकरन मान लीजिए दो फोर्सेस है, उनका लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रहा है एक पॉइंट पे, तो वो होता है आपका कॉनकरन फोर्सेस। मान लीजिए एक फोर्स इधर से काम कर रहा है, एक फोर्स इधर से काम कर रहा है, तो अगर उनका और लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाते जाए तो हम एक पॉइंट पे कॉन्साइट हो जाएगा, तो वो होगा कॉनकरन। यहाँ पे बोल रहा है नॉन कॉनकरन, नॉन कॉनकरन मतलब कॉन्साइट नहीं होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे से मिलने नहीं चाहिए, यानी एक दूसरे से पैरेलल कह सकते हैं कि होगा। अब उस बॉडी पे ऐसे फोर्स काम कर रहे हैं जो कोप्लेनर हो और नॉन करन हो, तो क्या हो सकता है, उस बॉडी को रोटेट कर देगा अबाउट इट्सेल्फ विदाउट मूविंग। मतलब मान लीजिए यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, हो सकता है इसको रोटेट कर दे, ठीक है, इट मे कह रहा है यानी हो सकता है रोटेट कर दे। नेक्स्ट हो सकता है मूव इन वन डायरेक्शन, इसको एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है ताकि, और साथ साथ उसको रोटेट भी कर सकता है, बिल्कुल यहाँ पे फोर्स लगेगा तो इसको मूव भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है। ये तो बताया नहीं कि यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा, यहाँ पर मान लीजिए ज़्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कम लग रहा है, तो इसको रोटेट भी कर सकता है और इसको मूव भी कर सकता है। बी कम्प्लीटली एट रेस्ट, मतलब हो सकता है इस पर फोर्स इक्वल फोर्स काम कर रहा है, तो दोनों तरफ इक्वल फोर्स काम करेगा तो वो रेस्ट कंडीशन में होगा, यानी ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मूथ सिलेंडर लाइंग ऑन इट्स वोर्टेक्स सर्फेस रिमेन इन, एक स्मूथ सिलेंडर है वो वोर्टेक्स सरफेस पे लाइंग यानी लेटा हुआ है, तो कौन से कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ठीक है, सॉरी इक्विलिब्रियम होगा लेकिन कौन सा, स्टेबल होगा कि अनस्टेबल या फिर नेचुरल इक्विलिब्रियम में होगा, तो कौन सा होगा, नेचुरल होगा। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मान लीजिए कोई बॉडी इसको रखा हुआ है इस पे सरफेस पे, और इस पे एक आप धक्का लगाते हैं या फिर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो अपने जगह से इधर उधर मूव करेगा लेकिन वापस अपने पुराने अवस्था में आ जाएगा, अपने पहले पोजीशन पे आ जाएगा, पुरानी जगह पे आ जाएगा, तो वो हम लोग बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल क्या होता है, यानी अगर हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपनी पुरानी अवस्था में इनिशियल स्टेज में नहीं आएगा, तो वो हो गया अनस्टेबल। और नेचुरल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर बॉडी पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो अपना जगह चेंज करके नया जगह ले लेता है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थ्री फोर्सेस एक्टिंग, पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए राइट बॉडी रिजिड बॉडी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन बाय द थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। किसी रिजिड बॉडी पे थ्री फोर्सेस काम कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट किया गया है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन बाय द थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल। किसी बॉडी पे थ्री फोर्सेस काम कर रहे हैं और उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन से बाय थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल और उसको इस ऑर्डर में रखा जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि द फोर्स आर इक्विवेलेंट टू कपल, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इक्विवेलेंट है कपल के। कपल क्या होता है, किसी बॉडी पे दो इक्वल फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कपल, ठीक है। फोर्स और बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर देते हैं, बीच का डिस्टेंस मान लीजिए एक्स है, तो ये होता है कपल।
द फोर्स आर इक्विवेलेंट टू ए कपल हुज मोमेंट इज इक्वल टू, तो उसका मोमेंट निकालना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, एरिया ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसके साथ कंपेरिजन करना है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एक बटा दो गुणे, मान लीजिए ये ट्राइंगल का एरिया है, नीचे का बेस को बी मान लेते हैं और हाइट को एच मान लेते हैं, तो एक बटा दो बी इंटू एच, ये होता है ट्राइंगल का एरिया। यहाँ पे पूछा है द मोमेंट ऑफ इक्वल टू, अगर हम किसी ट्राइंगल के किसी पॉइंट पे हम के सापेक्ष हम मोमेंट करते हैं, मान लीजिए इसके वर्टेक्स पॉइंट पे हम जिसका वर्टेक्स पॉइंट को हम ओ मान लेते हैं और इसके सापेक्ष हम लोग मोमेंट करते हैं, तो ये लाइन मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, इसी लाइन ऑफ एक्शन में है, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो मानेंगे, और इस लाइन पे देखा जाए तो इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एच है, फोर्स हमारा इसको बी मानेंगे, तो बी इंटू एच, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ मोमेंट अब इक्वल, यानी मोमेंट अगर हम इसका निकालते हैं वर्टेक्स पॉइंट ओ पे तो बी इंटू एच होगा। अब इसमें आप देखेंगे तो क्या अंतर है, अगर हम इसमें दो से गुणा कर दे तो ये इससे कट जाएगा, बी और एच से बड़ा हो गया, मतलब इक्वल हो जाएगा बी एच, यानी अगर हम एरिया ट्रायंगल ऑफ एरिया को दोगुना कर देते हैं तो वो इसके मोमेंट के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स स्टेट्स दैट व्हेन द फोर्स एक्टेड अपॉन ए बॉडी इट इफेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या बोलता है, जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है तो उस बॉडी का जो लाइन ऑफ एक्शन है, उस मान लीजिए बॉडी पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है और उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो उस लाइन ऑफ एक्शन में किसी भी पॉइंट पे जो इफेक्ट होगा उस फोर्स का वो सेम होगा, ठीक है, चाहे इस पॉइंट पे उस लाइन ऑफ एक्शन में किसी भी बिंदु पे उस जो फोर्स का इफेक्ट होगा वो सेम होगा, ठीक है, इक्वल होगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही हो गया, सेम एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स लाइन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्मूथ सिलेंडर लाइंग ऑन ए कौन सा सरफेस, अगर सिलेंडर है तो उसका कौन सा सरफेस होगा, वो कॉन्वेक्स सरफेस इन नेचुरल इक्विलिब्रियम, उसका कॉन्वेक्स सरफेस पे लेटा हुआ है तो वो नेचुरल इक्विलिब्रियम होगा, कोई सिलेंडर है अगर वो कॉन्वेक्स सरफेस पे लेटा हुआ है तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, कौन सा इक्विलिब्रियम, नेचुरल इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस, यानी जिसको हिंदी में उत्तल बोलते हैं, उत्तल सरफेस कैसा होता है, ऐसा होता है, और अवतल सरफेस के सॉरी उत्तल ऐसा सॉरी मैंने गल कन्फ्यूजन है उत्तल सरफेस ऐसा होता है और अवतल कैसा होता है, ये अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर द फोर्स शैल बी इक्विलिब्रियम, सेम बताया कि थ्री फोर्सेस किसी बॉडी पे काम कर रहे हैं और उनको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के फॉर्म में अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्लोजिंग साइड में आपका रिजल्टेंट हो गया, तो जो ट्रायंगल है वो सेल भी इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, बिल्कुल सही है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यानी ये ट्रू हुआ आपका, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, दो इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस है,
दो इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लाइन ऑफ एक्शन अगर कहे तो मतलब ये फोर्स और ये फोर्स ऐसे कहे, लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा तो, अगर डिफरेंट रहेगा तो ये इसके सीधे में नहीं होगा, दूसरे पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन इसका अलग होगा। कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए सिंगल फोर्स पैरेलल टू गिवन फोर्स, क्या उसको हम एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम ए कपल। सही है, कपल को क्या बोलते हैं, कपल में क्या होता है, कोई बॉडी है उस पर दो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो भी इक्वल होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए और एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए, ऐसे है तो ये इसके पैरेलल कोइंसाइड ना होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कपल प्रोड्यूस, कपल क्या प्रोड्यूस करता है, देखिए ये आपका है इधर फोर्स कर रहा है, ये फोर्स इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट कर सकता है, ठीक है, रोटेशन मोशन दे सकता है। कपड़ा निचोड़ते हुए आप देखे होंगे, तो कपड़ा कैसे निचोड़ते हैं, एक पे फोर्स, एक पे जो फोर्स लगाते हैं दूसरे पे जो फोर्स लगाते हैं दूसरे साइड में, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और इक्वल होते हैं, तब कपड़ा कपड़ा मोड़ता है और उसे पानी गिर जाता है, निकल जाता है, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल इज जीरो। ये बोल रहा है कि कोई बॉडी पे, ये कपल है, कपल पे क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होता है, अब उसका अलजेब्रिक सम जीरो होगा क्या, मान लीजिए इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो होगा, नहीं होगा। द अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए कपल अबाउट एनी पॉइंट इज सेम, अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए कपल अबाउट एनी पॉइंट इज, दोनों फोर्स जो होगा उसका अलजेब्रिक सम उस पॉइंट पे, अलजेब्रिक सम ऑफ द फोर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट इज द सेम, अब उसको जोड़ेंगे तो क्या सेम होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो सेम तो होगा नहीं, 50 न्यूटन को दोनों को ऐड करेंगे तो उस बिंदु पे क्या वो सेम आएगा, नहीं आएगा, दोनों को जोड़ ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 50 50 100 हो जाएगा, सेम तो होगा नहीं, ऐसा तो नहीं, ये कह रहा है कि 50 होना चाहिए, नहीं, एग्जाम्पल के तौर पर मान रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, ए कपल कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाई ए सिंगल फोर्स बट कैन बी बैलेंस्ड ओनली बाई ए कपल बाई अपोजिट, ये सही है, सिंगल फोर्स से हम लोग इसको बैलेंस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है इसमें ग्रुप ए ग्रुप बी में, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स पी एंड क्यू एक्टिंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए पी एंड क्यू दो फोर्सेस है और वो सेम स्ट्रेट लाइन में है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ही लाइन में है, ये डायरेक्शन इसका ये है, एक डायरेक्शन ये है, मान लीजिए इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 180 डिग्री। अब इसका रिजल्टेंट बोला है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा, थीटा बोल रहा है 180 डिग्री, तो कॉस 180 का मान होता है -1, तो ये आपका हो जाएगा पूरा -2 PQ। अब ये किसका फॉर्मूला होगा, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, ठीक है, पैरेलल फोर्सेस है पी एंड क्यू, रिजल्टेंट उसका रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए पैरेलल फोर्सेस है यानी एक दूसरे के ऊपर होगा कह सकते हैं, और इसके जो बीच का जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, एंगल कितने बनेगा 0 डिग्री, तो कॉस, वही फॉर्मूला लगा देंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, कॉस जीरो,
कॉस जीरो का मान होता है एक, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जो है वो हटा दीजिए दोनों का, यानी आर इस बराबर हो जाएगा पी प्लस क्यू, यानी इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस पी मेकिंग एन एंगल थीटा एज। दो इक्वल फोर्स तो हम लोगों ने पहले वाले पार्ट में ही एमसीक्यू के पहले वाले पार्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, दो इक्वल फोर्स है तो पी और क्यू को हम लोग एक मान लेंगे इक्वल है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। अब q को हम लोग p के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर cos थीटा, यानी 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा, दो 2p स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। और अगर हम cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, वन वन कट गया आपका। अब इसे टू कॉस, यहाँ पे टू होगा, ठीक है, दो दूना के हो जाएगा चार, फोर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अब ये आर स्क्वायर को इधर कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, यानी टू पी कॉस थीटा बाई टू, टू पी कॉस थीटा बाई टू, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू विद द फोर्स पी इज। तो ये फॉर्मूला है सिंपल, सी इसका फॉर्मूला होगा क्या है, इंक्लिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा है, यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन देखते हैं द फोर्स इंडक्ट इन द स्ट्रिंग ए बी ड्यू टू द लोड डब्ल्यू एस ओ इन फिगर 1.41। फिगर में ए बी स्ट्रिंग पे कितना फोर्स इंडक्ट हो रहा है ड्यू टू द लोड, यहाँ पे डब्ल्यू लोड लटका हुआ है, मतलब कह सकते हैं डब्ल्यू लोड की वजह से कितना फोर्स इंडक्ट हो रहा है स्ट्रिंग ए बी पे, इसको हम लोग यहाँ पे फिर से चित्र बना लेते हैं। ये फिक्स बॉडी है, ये है ए बी, ए बी पे बताना है कि कितना फोर्स इंडक्ट हो रहा है। मान लीजिए फोर्स इंडक्ट हो रहा है, ये हमारा थीटा एंगल बना रहा है, ये हमारा मान लेते हैं ये ट्रायंगल का ये आधार हो गया जिस पे एंगल बना हुआ है, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये हमारा डब्लू है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एफ फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा, क्योंकि कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अगर हम इसके साथ में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं तो इसको हम लोग लंब मानेंगे, ये इसके बराबर होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं f साइन थीटा, यानी लंब लंब बटा कर्ण f साइन थीटा। अब f साइन थीटा ये w के इक्वल होगा, ठीक है, अब f निकाल लेते हैं, w साइन को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा अपन साइन थीटा, यानी हम इसको लिख सकते हैं w साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, सी ओ एस ई सी कॉसेक थीटा, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। अब बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में द फोर्स इंडक्ट इन द स्ट्रिंग बी सी। अब बी सी यानी ये वाला और ये वाला, इस पे कितना फोर्स इंडक्ट हो रहा है वो बताना है। तो हम लोगों ने इस पे लिखाया कि एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा इस पे फोर्स इंडक्ट हो रहा है। अब एफ बराबर हम लोगों ने क्या निकाला, डब्लू कॉसेक थीटा, एफ की जगह पे हम लोग लिख देते हैं डब्लू कॉसेक थीटा, डब्लू कोसेक थीटा और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है, केवल एफ की वैल्यू हम लोग ये रखे हैं, यहाँ पे रख दिया गया है। अब ये हो गया कॉस थीटा, कोसेक थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं बटे में करके, अब कॉस अपन साइन बराबर होता है कॉट थीटा, यानी डी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजिशन इज नो एज।
वो पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं जब जिसमें पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी बी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेंट्रोइड, टर्म ऑफ सेंट्रोइड क्या होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही बोलते हैं, द सेम एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द इरेगुलर बॉडी मे हैव मोर देन वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोई रेगुलर बॉडी है तो उस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, बिल्कुल सही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक से ज़्यादा हो सकती है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर रेक्टेंगुलर लाई एट ए पॉइंट वेयर टू डायगोनल मीट ईच पॉइंट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब जिसको हम लोग हिंदी में आयत भी बोलते हैं। अगर हम इसका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालें तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहाँ पे उनके डायगोनल है यानी विकर्ण जहाँ पे कोइंसाइड करेंगे वो होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है एग्री है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर ट्रायंगल लाई एट ए पॉइंट वेयर इट्स मीडियम इंटरसेक्ट एक पॉइंट। देखिए ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहाँ पे उसकी मीडियम्स इंटरसेक्ट करते हैं। मीडियम्स क्या होते हैं, इसके बीच के एंगल्स, इसके बीच इस लाइन का सेंटर पॉइंट, जहाँ पे भी तीनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगल का। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए, इसको मिटा लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑसिलेट्स ट्रायंगल विथ बेस पी एंड साइड क्यू फ्रॉम इट्स बेस। ऑसिलेट्स मतलब समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ट्रायंगल है, इसकी दो भुजाएं ये बराबर है विथ बेस पी, मान लीजिए पी है और साइड है ये क्यू, फ्रॉम इट्स बेस इच, तो हमको निकालना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये आपका ट्रायंगल हो गया, ये पी है बेस, ये क्यू है समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आपका पी बाई टू हो गया, ये पी बाई टू हो गया, आधा आधा अगर माना जाए तो ये वाला इसके बराबर होगा। हमको एच निकालना है ताकि हम ये पॉइंट को पता कर सकें, यानी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता कर सकें। तो सिंपल है, पहले एच निकालने के लिए कॉर्ड का स्क्वायर अपॉन आधार का स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर माइनस पी बटा दो का स्क्वायर, तो ये आपके हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई फोर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फोर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर, ये हो गया एच, ये आपका एच निकल गया। ये भी अभी ऐसे है, इसको और छोटा कर लेते हैं, फोर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर को हो जाएगा दो। अब एच अपॉन थ्री होता है, यानी इसको भी बटा में थ्री कर दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा फोर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन छः, फोर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन छः, फोर क्यू स्क्वायर ये वाला, बट यहाँ पर देखेंगे फोर पी स्क्वायर दिया हुआ है जो कि गलत है, ये होना चाहिए फोर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपन छः, ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ, देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको ये समझना है ये बेस पी है, ये क्यू बेस क्यू समझ के किया है, बेस जो है ये आपका पी है, साइड क्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड ए इज फ्रॉम एनी ऑफ द थ्री साइड्स। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ईच साइड ए जिसकी तीनों भुजाएं इसकी इस मतलब उसको ए माना है, आपको बताना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर करते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं ए है, अब इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एच अपॉन थ्री, यानी पहले एच निकालेंगे उसके बटे में थ्री कर देंगे, तो एच निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कॉर्ड का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यानी ए का स्क्वायर माइनस ए बटा टू का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फोर ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर घटाओगे तो हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर बटा
4। फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3 ए अपन 2। अब h अपन 3 कर दीजिए, यानी 3 से इधर भी भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 ए अपन 6। अब अंडर रूट 3 ए अपन 6 कहीं पे है क्या? अंडर रूट 3 अपन ये नहीं है, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अंडर रूट 3 से अगर हम इसमें भाग देते हैं और गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट थ्री ये हो जाएगा 3 ए अपन 6 अंडर रूट 3। 3 गुना के 6 यानी ए अपन 2 अंडर रूट 3, ए अपन 2 अंडर रूट 3, ए अपन 2 अंडर रूट 3, यानी ये सी वाला ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस। देखिए सेमी सर्कल यानी सर्कल का आधा जो सर्कल होता है वो सेमी सर्कल होते हैं। अब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? बेस से वर्टिकल रेडियस में, यानी यहाँ पे क्या होता है? 4r/3π। क्या होता है? 4r/3π, यानी बी ऑप्शन सही हुआ। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हेमिस्फीयर लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r/8 फ्रॉम इट्स बेस अलॉन्ग विथ वर्टिकल रेडियस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हेमिस्फीयर मतलब आप कह सकते हैं गोला है, खोखला है। अब उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही ठीक बेस से मेजर किया जाएगा अलॉन्ग द वर्टिकल रेडियस, बेस से अलॉन्ग द वर्टिकल रेडियस, तो ये होगा कितना? 3r/8, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रेपेजियम विथ पैरेलल साइड्स ए एंड बी लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द बेस बी एज शोन इन फिगर 1.42। द वैल्यू ऑफ वाई फॉर्मूला होता है क्या होता है? h/3 2a + b/a + b, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है, ये याद करना पड़ेगा आपको। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन बोलते तो कोन देखे होंगे, नीचे वाला गोल रहता है, देखेंगे हैप्पी बर्थडे में जो टोपी पहनते हैं ना ये वही है, बर्थडे बॉय या गर्ल जो टोपी पहनता है वही है कोन। राइट सर्कुलर सॉलिड कोन इज एट डिस्टेंस ऑफ मेजर अलोंग द वर्टिकल से, बेस से वर्टिकल एक्सेस पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो किस हाइट पे होगा? ये h/4 पे होगा, ये इतना होगा h/4 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल है लाइज एट ए ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा? नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं होगा, इसका सेंटर इधर मूव हो जाएगा, यानी ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगल है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? जहाँ पे उसके विकर्ण इंटरसेक्ट करेंगे, यानी जहाँ पे उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इसका बी वाला ऑप्शन होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल जिसमें उसके मीडियम्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इज एट इंटरसेक्ट ऑफ मीडियम। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल का क्या होगा? सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर होगा, इज एट इट्स सेंटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल का कहाँ होगा? सेमी सर्कल यानी सर्कल का आधा, ये इसका कितना होगा? इसका होगा 4r/3π, सी वाला ऑप्शन। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर का क्या होगा? हेमिस्फीयर कैसा होता है? गोल रहेगा लेकिन ये खोखला रहेगा नीचे से, 3r/8। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन ठीक है, बर्थडे वाला टोपी, इसका राइट सर्कुलर कोन इसका हो जाएगा h/4, ठीक है। नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल लाइज अलोंग इट्स सेंटर रेडियस एट ए डिस्टेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल ऐसे होता है उसका क्वाड्रेंट यानी 1/4 भाग, यानी ये भाग। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? 0.6r होगा, याद कर लीजिए। तो ये हुआ करीब 27 क्वेश्चन, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा इसलिए 27 क्वेश्चन पर रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरा दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन